दोस्तों, ये मेरा लास्ट ईयर का कलांचा प्लांट है। मैं इसको 60 रुपये में लाई थी, दो पौधे लाई थी और एक फिलहाल मतलब मर गया। मर क्या गया, इस तरीके से बारिश में ना ख़राब हो गए थे पूरे, और ये भी उसी तरीके था। लेकिन क्या हुआ कि मतलब ये ऐसा प्लांट है कलांचे का कि इनकी स्टेम्प या कुछ भी अगर मिट्टी में टच हो जाती है ना, तो अपने आप वो जर्मिनेट यानी कि उनकी जो लाइफ लाइन है शुरू हो जाती है। तो मैं दिखा दूँ, ये छोटी से छोटी कटिंग है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, मतलब इसमें रूट्स आई हुई, बिल्कुल न्यू प्लांट ये रेडी हो गया है। हालांकि जो यहाँ की इनकी जड़ें जहाँ से आनी चाहिए ना, वहाँ पे ख़राब हो गई है। बट साइड साइड से देखिए, पत्ती में भी इनकी जड़ें आई हुई हैं। तो ये मदर प्लांट है। बाकी इधर जो टहनियाँ गिर गई थी ना, वो सारी चीज़ें ये भी देखिए गिरी हुई हैं, अपने आप ही गिर गई थी। आपको मैं दिखा दूँ, ये सूखी हुई है बिल्कुल, बिल्कुल भी ग्रीन नहीं है। अगर मैं तोड़ती तो आपको ग्रीन दिखती, बट सूखी हुई है। बट मिट्टी के टच में था ना, तो रूट्स इनके जगह जगह से इस तरीके से निकले हुए हैं। तो मतलब ये विंटर में बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। ये रेड वाला कलर है, हाइब्रिड वाला हमारा कलांचुए का प्लांट है। तो इनको हमें न्यू प्लांटर में शिफ्ट करना है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, घास बहुत ही बुरी घास होती है। जिस गमले में आ जाते हैं ना, वहाँ की जो मिट्टी होती है तो बिल्कुल सूखी हो जाती है, या फिर एकदम से गीली कर देते हैं, रूट रोट हो जाता है, जिससे प्लांट हमारे मर जाते हैं। तो इनको मैं यहाँ से हटाऊंगी फ्रेंड्स। इसका मुझे सोल्यूशन आप लोग ज़रूर बताइएगा, जिसको पता होगा इस घास को कैसे हटाएं। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनसे, और ज़्यादातर गमलों में ये देखने को मिल जाते हैं। शायद सीड ही होते हैं, सीड से ये उगते हैं, बट मुझे नहीं पता कैसे इनको हटाना है। बट मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ इनको गमले से हटाने की, बट फिर से ये छोटे छोटे से दूसरे तीसरे दिन उगाते हैं, सीड ही होंगे जिससे ये उगते होंगे। तो इनको मैं अभी अलग करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इनकी जो आसपास की जो घास है इनको हटा दूंगी, उसके बाद जड़ से इनको हटा के मैं दूसरे गमले में लगाऊंगी, और मैं ये सब तोड़ दूंगी और कटिंग लगा दूँ, क्योंकि कटिंग आसानी से लग जाती है। इनकी 1 इंच भी कटिंग लगाओगे तो लग जाएगी। तो चलिए मैं पहले क्या करती हूँ, इनकी जो एक्स्ट्रा घास है, फालतू वाली, एक्स्ट्रा क्या बोलूँ मैं, फालतू की है, उनको हटानी इस तरीके से। मैं इसी तरीके से प्रेस हटाती हूँ, शायद जड़ें रह जाती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती होगी तभी ये नहीं जाती हैं। बहुत ही मतलब ये बुरी वाली घास है, क्योंकि ये जहाँ भी रहती है तो मिट्टी बिल्कुल सूखी कर देती हैं, या फिर गीली ही कर देती हैं, जिससे पौधा ख़राब हो जाता है। या मैं साइड में रख दूँगी इस तरीके से। मिट्टी को पहले हमें भुरभुरी कर लेनी है, ताकि जड़ इनकी जो डैमेज ना हो। और देख सकते हो बहुत ही टाइट हो गई है, मैंने कई दिन से पानी नहीं डाला है इसमें, क्योंकि मुझे इसे रिपोर्ट करना था, दूसरे गमले में शिफ्ट करना था इस तरीके से। तो मैं चलो पहले कर लेती इस तरीके से फ्रेंड्स, मैं निकाल ली हूँ। देख सकते हो ज़्यादा इनके रूट्स नहीं होती हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी रूट नहीं आई है इनकी, और बहुत ही मतलब इजी टू ग्रो प्लांट है। छोटे से भी प्लांटर में लगा दोगे तब भी चल जाएगा। तो इस तरीके से मेरा कलान चुका है प्लांट है, तो इसे मैं दूसरे गमले में लगाने वाली हूँ। मैं चाहूँ इसी में लगा लूँ, बट अभी इसकी मिट्टी हमें तैयार करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब वो जो मैंने प्लांट निकाला हुआ था ना, मदर प्लांट, तो उसी को इसी में लगा देना है और मिट्टी ऊपर से डाल देनी है। और जो मैंने स्टेम्स निकाली हुई थी, जो टूटी हुई थी, वो भी इसी में लगा दूँगी। कुछ अलग भी लगा दूँगी ताकि अच्छे से मैं उससे फ्लावरिंग ले सकूँ। और ये फ्लावरिंग फ्रेंड्स, जब हमारा विंटर जाने वाला होता है ना, फरवरी मार्च में ही खिलना शुरू होते हैं, जनवरी से लेके मार्च तक अच्छे से ब्लूम होते हैं। मई तक के भी इनकी फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से इनकी हम रिपोर्टिंग कर दी, जो ओल्ड प्लांट्स थे। बाकी जो कटिंग्स हैं इस तरीके से, इनसे आप चाहें तो नया प्लांट बना सकते हैं। तो देख सकते छोटी सी यहाँ पे स्प्राउटिंग शुरू हो गई, तो इसी में मैं लगा दूँगी इसी तरीके से फ्रेंड्स। जब प्लांट लग जाएगा, तैयार हो जाएगा, तब मैं इनसे नया पौधा बना लूँगी इस तरीके से। देखिए बहुत ही अच्छे लगते हैं इनके फ्लावर, जैसे गुलाब के होते हैं ना, उसी तरीके से ये रहते हैं।
यहाँ पर फुला दूँ। मैंने इतनी कटिंग्स लगा ली हैं और बाकी ये कटिंग्स बची हुई हैं इनको भी लगाना है। तो वही मेरा पॉट है जिसमें मैंने ये क्रांचे मेरा लगा हुआ था इसमें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों गमलों में कटिंग्स लगा ली क्रांचे की। अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। थोड़ा सा ये भी मेरा लेगी हो रहा है, इनको मैं तोड़ के और एक कटिंग बना लूँगी। तो अगर आपके पास से पौधे हैं इनके तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हाइब्रिड वाले फ्रेंड्स ये प्लांट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं इनके, पिंक, येलो, ऑरेंज और रेड में भी रहते हैं, वाइट में भी मिल जाए मतलब भी लगा लीजिएगा। तो ये थे आज की हमारी कलंचे फ्रेंड्स, जो पुराने साल यानी कि लास्ट ईयर वाले प्लांट्स हैं उनको मैंने तैयार किया। मैं 60 रुपये में दो पौधे लाई थी, 60 का मतलब था 120 का पड़ा हुआ था। तो उनसे मैंने इतने सारे पौधे बनाए हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर, चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो, न्यू प्लांट, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय।